दोस्तों ये वीडियो थोड़ी अलग है। आप इस वीडियो में दुनिया भर की अजीबोगरीब और यूनिक चीजों को देखोगे, जिन्हें देखने के बाद भी कई बार उन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी चीजें होती ही काफी कम है। खैर देखते हैं कि कैसी लगती है आपको ये वीडियो। इस वीडियो क्लिप में आप कुछ अजीब देखने वाले हैं। एक 18 साल के रशियन किलर को, जिसने चाकू से अपनी ही बहन का कत्ल किया था, वो कोर्ट में है। बता दें कि रशिया के कोर्ट में खतरनाक क्रिमिनल्स को सुनवाई के वक्त ऐसे वुडन बॉक्स में रखा जाता है, जिससे वे कोर्ट में मौजूद किसी के लिए खतरा ना हो। अब यहाँ जो हुआ वो देखने लायक है। शुरू में तो निकलकर भागने की ऐसी कोशिश को देखकर आप इसे अनाड़ी और पागल ही समझेंगे, पर आगे जो हुआ यहाँ ऑफिसर्स ने अलार्म बजाकर मदद बुलाई। अपनी ही बहन को बेरहमी से चाकू से स्टैब करके मारने वाला ये 18 साल का खूनी छोटे मोटे इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले टेजर से डर गया। आपने ये तो सुना ही होगा कि भालू आवाज से डरते हैं, साथ ही भालू बेहद ही खतरनाक और जानलेवा भी होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह इस आदमी पर हमला कर रहा ये भालू वहां से भागा। इस जानलेवा हमले में कुछ भी हो सकता था। अच्छा हुआ कि ये आदमी भागने के बजाय चिल्लाया, वो भी जोर से। ये अगला क्लिप भी भालू का ही है और ये घटना भी रशिया में ही हुई थी। ये भालू एक घर के बाहर रखे पानी के टंकी के साथ मस्ती कर रहा था और तभी उसे ये मस्ती भारी पड़ गई। चोट इसे जहां लगी वो तो आप समझ ही गए होंगे, और जो दर्द हुआ होगा उसे भी अगर आप नर हो तो समझ गए होंगे। आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे कूल इंसान कौन है? ना, एक बार शॉप में डकैत घुस आए और वहां लूटपाट करने लगे। सारे कस्टमर्स वहीं पर फर्श पर नीचे लेट गए, लेकिन ये बंदा वहां बैठकर सिगरेट जला रहा था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। डकैतों ने इससे फोन छीनने की कोशिश की तो उसने अपने फोन को एक झटके में छुड़ा लिया और डकैतों से एक बियर की बॉटल मांगा। आगे बढ़ने के पहले वीडियो को अभी लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई आगे आप लोग भूल जाओगे, इसलिए अभी लाइक जरूर कर देना। ये वीडियो शायद अमेरिका का है। अब भाई वहाँ ही ऐसी चीजें होती है। कार में बैठा ये शख्स जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, उसे ओवर स्पीडिंग यानी तय गति से ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाने के लिए पुलिस रोकती है और फिर उस बंदे से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है। अब उसके बाद जो हुआ,
morning, sir. Good morning. It's okay if I film you, sir. I'm just kind of nervous around police officers. No, sir. That's quite all right. The reason I'm stopping you is for speeding, sir. No, sir. Okay. Were you aware you're going that fast? No, sir, I didn't. Let me ask you something. Yeah, we strictly enforce the speeding rules out here. Yes, sir. I understand. May I see your license, please? Yes, sir. Yes, sir. No problem. Hang on just one second. There you go, sir. Will this work for you? I can't seem to find my license, but... You have a good day, sir. Thank you, officer. I appreciate it very much. Have a good day. लाइसेंस की जगह डोनट थमाकर बचा ये बंदा, घूस में भी पैसे नहीं डोनट लिए जा रहे हैं। देखो भाई, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बड़े होकर डकैत बनना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ कुछ भी हो सकता था, पर पर्सनली मुझे ये काफी फनी लगा। ये जो अभी आपने देखा, इसमें न्यूजीलैंड के खाने पीने की आइटम्स रखने वाले एक शॉप में एक रॉबर घुसा जिसके हाथ में एक गन भी था, पर काउंटर पर ठहरा ये आदमी अपने कस्टमर को उसका ऑर्डर देता है और उस डकैत को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, जैसे वहाँ कोई हो ही ना। ऐसा होते ही डकैत भी वहाँ से चला जाता है और घर जाकर बोलता है, मम्मी मेरे से कोई डरता ही नहीं। ये फुटेज जो आप देख रहे हो, ये पृथ्वी से लगभग ऑन एन एवरेज 10 करोड़ किलोमीटर दूर लाल ग्रह मार्स की है। और दोस्त, ये सभी फोटोज मार्स की असली फोटोज हैं, जिन्हें नासा के मार्स पर भेजे गए तीन शानदार रोवर्स अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और स्पिरिट ने लिया था। नासा ने हाल ही में मार्स की हाई रिजोल्यूशन 4K फोटोज को पब्लिकली रिलीज किया है, और अगर आप इन फोटोज को देखोगे तो आप मतलब ऐसा लगेगा कि ये पृथ्वी का ही है, पर ऐसा है नहीं। ये एक बंजर वीरान ग्रह है जहां आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप वो सारी 4K फोटोज और उन फोटोज के पीछे की खासियत को एक सेपरेट अलग वीडियो में देखना पसंद करोगे। दोस्तों, वैसे तो वैसा नज़ारा मंगल ग्रह का आपने शायद ही पहले कहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप देखना चाहोगे तो मैं वो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कॉमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मुझे पता चल सके। इस अगली क्लिप में आप देखोगे एक युवक को जो सुसाइड करने के लिए अपने हाथ में एक गन लिया हुआ था। बता दें कि इससे उसे तो खतरा था ही, साथ ही साथ खतरा था आसपास के लोगों को, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था। जब पुलिस को ये खबर मिला तो वो तुरंत मौके पर पहुंच गई, और उसके बाद जो हुआ, We get a call basically of a man with a weapon. You're white male, approximately 30 years old, wearing a black hoodie and a military-style hat. Hey, put your hands up. Put the weapon down. Don't move. Put the weapon down. Put the weapon down. देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इस सुसाइडल अटेम्प्ट को होने से पहले रोका। Let me help you. Don't make me do this. Then let me help you, but not this way. Let me help you. Please drop it, brother. I know you're hurting, man. I was too, but I went about 4 months ago. So let me help you, please. Shoot me. I can't do that, man. I can't do that. You believe in Jesus Christ, brother? Don't do it. Don't do it. Then shoot me. No, don't do it. I was in your shoes a few months ago, brother. It took everything in my body. Man, I'm 6'5", 300-pound paratrooper. Took everything in my world to call the VA and to finally get the help. And I got the help. But I want to help you, man, because I'm tired of losing brothers and sisters. But I can't help you if you don't help me. Okay? The Lord sent me here to you today. He didn't send one of these other guys. He sent me as a vet. Just drop it. Just drop it. Okay, put your hands on your head for me. बता दें कि यहाँ कुछ भी हो सकता था, पुलिस की जान को भी खतरा था, लेकिन इस सीनियर पुलिस ऑफिसर का तजुर्बा यहाँ काम आया। डेफिनेटली ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि सुसाइड करना कायरता से कम नहीं। ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में कोई ऑप्शन नहीं होता। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप आगे भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद करेंगे, जहां मैं आपको इंटरनेट पर से ली गई दुनिया भर की अजीबोगरीब और यूनिक चीजें दिखाऊंगा, या आपको ये कॉन्सेप्ट उतना पसंद नहीं आया। कमेंट करके बताइएगा जरूर दोस्तों।